हेलो गाइस, वेलकम है कैंप पुष्पेन धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में फिर से एक नई ट्रिक के साथ आया, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चन को देख के यूं एक या दो सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कभी भी आप क्वेश्चन देखते हैं, आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह का मैथ्स का एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आता है। और इस क्वेश्चन में क्या होता है, जिस तरीके से 30 लिखा है मेरा, कोई भी नंबर हो सकता है उसमें, इस तरीके से प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई तीन तरीके से होते हैं। करना क्या होता है अब ये समझिएगा। जब इस तरह क्वेश्चन होता है तो इसको बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। जो भी नंबर लिखा है उसको फैक्टर करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे कोई दो नंबर से। मतलब ऐसे कोई दो नंबर ढूंढेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने में वो चीज़ आए, लेकिन शर्त ये होती है कि दोनों का जो फैक्टर्स हैं गुणनखंड, उनके बीच का गैप वन होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे 30 को तो मैं तोड़ सकता हूँ किस किस में, 3 × 10 में तोड़ सकता हूँ, बट इन दोनों के बीच में गैप वन नहीं है। अब 5 × 6 में तोड़ सकता हूँ और इन दोनों के बीच में गैप वन है। तो बस यहीं रुक जाना और यहीं आपका आंसर भी आ गया। 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है। तो भाई अगर ये प्लस लिखा है तो आपका जो बड़ा वाला फैक्टर होता है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो 30 + √30 + √30 + √30 + √30 ऐसे करके अगर इसका आंसर हमें बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सी, ठीक है। और अगर मान ली प्लस की जगह माइनस लिखा होता, क्या लिखा होता, माइनस, जैसे कि सेकंड में लिखा है, तो इसका जो लोएस्ट वाला जो छोटा वाला फैक्टर होता है वो आंसर हो गया। सिंपल है, समझ में आ गया। मतलब सिंपल करा क्या मैंने, दोनों जो नंबर लिया उस नंबर का फैक्टर किया, ऐसा फैक्टर किया कि दोनों के बीच का गैप वन होना था। वन था तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर और माइनस है तो छोटा वाला आंसर है। हम एक आध और क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है 20 + √20 + √20 ऐसे करके एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जैसे प्रीवियस में मैंने बताया दोनों को फैक्टर करो, गैप वन होना चाहिए फैक्टर के बीच में। तो 4 × 5 से कितना होगा, 20। तो आंसर क्या होगा, प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर है और माइनस हो तो कौन सा वाला फैक्टर होगा, छोटा वाला होगा, ठीक है। अब बात ये हो गई कि चलो ठीक है, जो नंबर जिनके बीच में एक जिनके बीच के फैक्टर्स का जो गैप है वो वन है तो आपने निकालना बता दिया आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए जिनके बीच में गैप नहीं है वन का, अब क्या करेंगे फिर, तो ठीक है हम वो वाले क्वेश्चन भी अब सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा जैसे हम क्वेश्चन हमारे पास है √7 + √7 + √7 और माइनस में भी है। तब यहाँ पर आप देखें इनको अगर फैक्टराइज अगर आप कैसे भी करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों का बीच में नहीं होने वाला है। आप करके देख ली 7 × 1 ही होगा, 7 × दोनों के बीच का फैक्टर 1 नहीं है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब आपको करना क्या है, ये जो 7 के बाद आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको फैक्टर करने पे, जिसका फैक्टर वो करने पर वो उनके फैक्टर्स का बीच का डिफरेंस वन हो। तो 7 के बाद 8 है 9 है 10 है ऐसे करके नंबर है। तो 8 का हम देखें, 8 का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 × 2 होना है तो ये तो होगा नहीं। 3 × 3 ये भी होगा नहीं। 10 × 5 × 2 इसका भी नहीं होगा। फिर हम 11 का भी नहीं होगा। क्या है आपका नंबर, 12 का क्या होता है, 3 × 4 क्या होगा, 3 × 4। तो बस यही हमारे पास मिलने वाला है नंबर, अब यहीं से हमारा आंसर है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, प्लस लिखा है तो इसका मतलब आंसर होगा, इसका आंसर 3 और 4 के बीच, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 और 4 के बीच में इसका आंसर है। मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 और 4 के बीच का कोई नंबर होगा जो इसका आंसर है, मतलब बिटवीन द 3 और 4। द आंसर इज बिटवीन 3 और 4। पेपर में भी ऐसे ही आता है, 2 या 3 के बीच में, 4 या 5 के बीच में, 6 या 7 के बीच में, 8 या 9 के बीच में। तो इसका √7 + √7 का क्या आंसर है, 3 और 4 के बीच में। ये किसकी बात हो गई, प्लस की। अब मुझे किसकी बात करनी है, माइनस के लिए। तो माइनस के लिए आप पीछे चलो, कहाँ चलना है मुझे, पीछे। तो 7 से कम क्या होता है, 6 5, तो आप 6 देखेंगे, 6 ही मिल गया हमें, 6 और 3 × 2 होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 और 3 के बीच, पहले बड़ा नंबर आया छोटा आएगा फिर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। प्लस है तो आगे बढ़ना है, माइनस है तो पीछे जाना है और देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर का गैप 1 होता है, तो उसी नंबर के बीच में उसका आंसर होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 7 का ही आंसर 3 और 4 के बीच हो, हो सकता है 8 का आंसर भी, 8, 9, 10 और 11 इन तीनों का भी आंसर 3 और 4 के बीच में ही होगा। अब आप कहेंगे कि भैया जब सबका आंसर सेम है तो इसका मतलब क्या, ऐसा ज़रूर नहीं है। 7 का आंसर 3.1 हुआ,
एट का, ऐसा मैं मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आंसर 3.1 ही हो, जैसे 7 का आंसर 3.1 है, 8 का आंसर 3.2 हो सकता है, मतलब ऐसे करके कुछ भी होगा बट डिफरेंट रहेगा, 3 और 4 के बीच में ही रहेगा। ये चीज़ आई समझ में? तो अगर जिनके बीच में 1 का गैप नहीं है तो ऐसे करना है सॉल्व, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो प्लस और माइनस का हो गया, अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 21 और डैश 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 डैश। तो बस आपको यहीं ये ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई में है और उसके बीच में डैश 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 आखिरी में लगा है तो उसको सॉल्व करने का मेथड अलग हो जाएगा, और इसके बीच में डैश 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 नहीं लगा तो उनको सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो पहले मैं इसका बताता हूँ, तो आपको करना क्या, जिसमें आपका डैश 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 लिखा है तो उसका आंसर वही हो जाता है, जो आपका नंबर लिखा है वही आपका आंसर है, तो इसका मतलब आपका 21 आंसर हो गया। अगर सपोज करो कि लिखा अंडर रूट फोर और डैश 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 लिखा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब जो नंबर लिखा है वही आपका आंसर है। अब इसके बाद सपोज करो यही क्वेश्चन होता और इसमें क्या होता कि डैश नहीं लगा होता, क्या नहीं लगा होता, डैश नहीं लगा होता, तो कैसे करेंगे? तो भी बहुत सिंपल है, जो नंबर है वो लिखो और इसके ऊपर हमें लगानी है पावर, तो आप गिन लो कि यहाँ पर रूट कितने लगे हैं, स्क्वायर रूट कितने लगे हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 की जो पावर, जो 2 की पावर 4 करना है, क्या करना है, 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 16, तो 16 और उससे एक कम पावर करके ऊपर लिख देना, तो आंसर आ जाएगा 21 की पावर 15/16। अब जैसे ये देख लेते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1, 2, 3, तो 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 8, तो आंसर आ जाएगा 8 और इससे एक कम करेंगे तो 7, तो 4 की पावर 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको जितने भी इस तरह के क्वेश्चन, इनका आप डाउट आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, फिर भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करें। और ये जो मैंने ट्रिक बताई हुई बिल्कुल फुल वेरीफाइड ट्रिक है और 100% आंसर देने वाली ट्रिक है, कोई फेक नहीं है, सबसे पहली बात तो प्लीज़ कॉमेंट करें, पॉजिटिव कॉमेंट करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट भी। अगर आपने ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।